मुख्यमंत्री तो आप ही थे, आप ही मुख्यमंत्री थे, तो ये नियम कौन बना रहा है, वो कौन नियम बना रहा है, ये हमको बता दीजिए। तो इसलिए देख रहे हैं कि एक एक चीजों को सरकार अपने ही गिराए हुए थूक को बार बार चाट रही है, और आपके जांच के बावजूद भी जब लोग ज्वाइन कर ले रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि वो फर्जी साबित, कि अगर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और वो फर्जीवाड़ा वाले शिक्षक चले गए, उनको हटा दिए गए, और हम लोगों ने उनके साथ कहा था कि जहां सरकार की कहीं कमजोरियां नजर आएगी तो इन सवालों पर हम बेबाक ढंग से, कोई प्रतिबंध नहीं होगा, हम सवाल उठाएंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी राजधानी पटना के सड़कों पर उतर रहे हैं। देखिए, आज तारीख 12 है और आपको याद होगा कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी पूरे बिहार भर से बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने आ रहे हैं। हमने कल भी आपको बताया था कि आखिर कारण क्या है। हमारे साथ देखिए शिक्षकों की भी बातें, किसानों की भी मुद्दे बेबाकी से उठाने वाले रामबली सिंह यादव है, विधायक हैं और सीपीआईएमएल के कद्दावर नेता हैं। सीधा सवाल ले लेते हैं सर, टीआरई 3.0 शिक्षक अभ्यर्थी राजधानी पटना आ रहे हैं पूरे बिहार भर से, कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 परीक्षा ली और उसके बाद जो मांगे थी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, पर ये बिल्कुल मांग को माना नहीं गया, मगर टीआरई 3.0 में यह चीज़ें लागू होनी चाहिए, आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो जो अभ्यर्थी आ रहे हैं घेराव करने, उनका हमारा और हमारी पार्टी भाकपा माले का पूरी समर्थन रहेगा। अच्छा, पूरा समर्थन रहेगा और बिल्कुल ही उनका जो सवाल है वो जायज सवाल है। भाई, बीपीएससी एग्जाम ली है, बीपीएससी ज्वाइनिंग करा रही है, बीपीएससी काउंसिल कर रही है, इससे विश्वसनीय संस्था कौन है इस बिहार के अंदर? और आपके जांच के बावजूद भी जब लोग ज्वाइन कर ले रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि वो फर्जी साबित हुआ, तो आप कैसे जाँच आप कर रहे थे? आपसे फिर विश्वसनीय संस्था कौन है? तो इसलिए मैं छात्रों के अन्य मांगों को अभी नहीं समझा हूँ, लेकिन अगर वो आ रहे हैं तो निश्चित रूप से घेराव करना चाहिए। रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग के बावजूद भी अगर फर्जीवाड़ा सामने आया है तो उसके बाद वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको इसमें सीधा ज्वाइनिंग कराना चाहिए। अच्छा, मान लिया कि एक व्यक्ति, लेकिन तब है कि उसका अनुपात क्या है, अगर एक आध गलतियाँ हुई, एक दो गलतियां हुई, फर्जी पकड़े गए तो वो टीचर से हटाए गए, तो उसके बाद वाले जो नंबर में थे जिनका नहीं हो पाया बीपीएससी में तो उनको ज्वाइन करा देना चाहिए। एक ये सवाल है। और अगर ज़्यादा गड़बड़ियां हैं तब तो आपके संस्थान पर, आप जो बीपीएससी है, जो कमीशन आपका है, उस पर एक सवाल उठता है कि जिस तरह से नीट एग्जाम में हुआ कि मेरिट जो है वो पीछे चला गया, पैसा आगे चला गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है? इसकी जांच होनी चाहिए। और तीसरा सवाल है कि बार बार इस तरह से लंबे समय इंतजार के बाद फर्जीवाड़ा मिल जाता है, लंबे समय तैयारी करके लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, ऐसे स्थिति में जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी उम्र सीमा बढ़ रही है, तो ऐसे स्थितियों में आपको अभ्यर्थियों में उम्र सीमा में छूट देना चाहिए। अच्छा, एज रिलैक्सेशन देना? बिल्कुल बिल्कुल ही देना चाहिए। आप लोग इसके? हाँ, एकदम समर्थन में हम इसके। तो आप लोग की भी सरकार चली, आपने भी महागठबंधन की जो सरकार बनी थी, आप लोगों ने भी समर्थन किया था उस सरकार को, समर्थन दिया था उस सरकार को, उस वक्त आप लोगों ने एज रिलैक्सेशन को लेकर के क्यों नहीं कदम आगे बढ़ाया? नहीं नहीं, सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि जो सरकार, जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं वो जरूर महागठबंधन की सरकार थी, और भाकपा माले जिस दल के मैं विधायक हूँ, हम लोगों ने उनका 170 हम लोग मैंने समर्थन दिया था हम लोगों ने, और हम लोग मंत्रिमंडल में शरीक नहीं हुए थे, और हम लोगों ने उनके साथ कहा था कि जहाँ सरकार की कहीं कमजोरियाँ नजर आएगी तो इन सवालों पर हम बेबाक ढंग से, कोई प्रतिबंध नहीं होगा, हम सवाल उठाएंगे। और निश्चित रूप से
ऐतिहासिक बहाली उसी सरकार में हुई, उससे बड़ा बहाली कभी नहीं हुआ था। तो बहालियाँ हुई, फिर बहाली में जहाँ गड़बड़ी हुई तो उस सरकार का समर्थन करते हुए भी हम लोगों ने सवाल उठाया, हमें लोगों ने सवाल उठाया था कि पूरक परिणाम होना चाहिए। जब काउंसलिंग के बाद जो सीटें बच जाएगी, जो अभ्यर्थी अयोग्य होंगे वो सीटें खाली होगी, तो खाली होगी तो पूरक परिणाम सामने ले आइए। और पूरक परिणाम आया। मैं उसी बात को फिर आज दोहरा रहा हूँ कि अगर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और वो फर्जीवाड़ा वाले शिक्षक चले गए, उनको हटा दिए गए, तो जो सीट खाली हुआ उस पर पूरक परिणाम के माध्यम से उन अभ्यर्थियों को उसमें शामिल कीजिए जिनका नंबर उसके बाद वाला सीरियल में था। और इसके बाद जो आप परीक्षाएं ले रहे हैं, तो परीक्षा ले रहे हैं बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं, बहालियां निकल रही है, अखबार में आ जा रहा है लाखों बहालियां निकलेगी, 10 लाख निकलेगा, मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं बहाली निकल ही नहीं रहा है, हैं? फिर बहाली निकलेगी तो किस सवाल पर निकलेगी? 65% आरक्षण हुआ सरकार में और वो आरक्षण जो है कोर्ट में जाकर के फंस गया, तो किस आरक्षण के नियम के तहत आप ये बहाली निकालेंगे? तो ये एक बहाली जो है 3-4 बरस समय बीत जा रहा है और हमारे युवाओं का उम्र बढ़ता चला जा रहा है, तो बिहार में ये जो अराजकता का स्थिति है निर्णय के सवाल पर, चाहे जिस कारण से हो, उम्र सीमा में छूट होनी चाहिए, उम्र सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जिस मुद्दे को लेकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर रहे हैं, कहा जा रहा है कि 1 candidate 1 result होना चाहिए। इससे पूर्व में भी हमने कई बार आपसे भी बात की थी, आपने कहा था कि बेशक 1 candidate 1 result होना चाहिए क्योंकि पदे रिक्त रह जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरेंगे 1 candidate 1 result को लेकर? नहीं, तो अभी देखना पड़ेगा हमको। अब 1 candidate 1 result का जो मामला है, तो अब उनका क्या तर्क है, अब इसको हम ठीक से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन ये होता है कि जब परीक्षाएं हो रही है तो कई जगह से फिल्टर हो करके जो है चीज़ें नीचे जाती हैं। कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही में अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया और दोनों में रिजल्ट आ गया, तो भाई लेंगे तो आप एक में, या तो आप सेकेंडरी में लेंगे या प्राइमरी में लेंगे, तो फिर सीटें तो एक जगह वैकेंट रह जाएगी। तो 1 candidate 1 result होना चाहिए, उनका तर्क ये है। अब तो देखना पड़ेगा कि इसमें जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, तो उसका अगर कहीं हनन नहीं हो, जैसे हम एक बेरोजगार हैं तो हम कई जगह अप्लाई कर रहे हैं, या एक ही जगह जो है रेलवे के बहाली निकली ग्रुप डी में भी हमने अप्लाई कर दिया, ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई कर दिया, ड्राइवर के लिए भी कर दिया, हो सकता है किसी में रिजल्ट आया किसी में नहीं आया, या हो सकता है कि सभी में रिजल्ट आ गया। तो हमें लगता है कि इसको अब देखना पड़ेगा, इसमें युवाओं के का जो आज़ादी है उसका कहीं ह्रास तो नहीं हो रहा है, और अगर उनके आज़ादी के को केंद्र में रखते हुए हमारे जो छात्र लोग हैं, जो युवा लोग हैं, वो अगर कोई मांग रखते हैं तो उन मांगों का हमारे तरफ से टाइमिंग को लेकर अब तक निर्णय नहीं लिए गए, रामलाल जी कैसे देखते हैं? अब ये तो धीरे धीरे, अब क्या कहें, तो पाठक जी चले गए, पाठक जी के एक एक फैसले को देख रहे हैं कि बदला जा रहा है, और अब हमें लगता है कि ये तो नीतीश कुमार जी पर ही सवाल है कि भाई आप मुख्यमंत्री तो आप ही हैं, आप सचिव बदले गए, पाठक जी थे, सिद्धार्थ साहब आ गए, मंत्री बदल गए, मंत्री चंद्रशेखर जी थे, सुनील बाबू आ गए, मुख्यमंत्री तो आप ही थे, आप ही मुख्यमंत्री थे, तो ये नियम कौन बना रहा है, वो कौन नियम बना रहा है, ये हमको बता दीजिए। तो इसलिए देख रहे हैं कि एक एक चीज़ों को सरकार अपने ही गिराए हुए थूक को बार बार चाट रही है। अच्छा, तो और क्या इसको कहा जा सकता है, हर चीज़ों को बदला जा रहा है, तो हमें लगता है कि टाइमिंग वाला पर भी बदला जाएगा, आशा उम्मीद है, क्योंकि अब ये सरकार तो वही थूक गिराती है अपने, फिर उसको चाटती है, यही तो परंपरा देख रहे हैं। सरकार को न शिक्षकों से लेना देना है, न किसानों से लेना देना है, न मजदूरों से लेना देना है, इनको कुर्सी से लेना देना है। अच्छा। लोगों से लेना देना रहता तो ये 9 बार पलटा पलटी करता, ऐसा तो नहीं है कुछ। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नियम भी उम्मीद रखें, और के पाठक के प्रति जो जनता का गुस्सा था, शिक्षकों का गुस्सा था, हम लोग का भी था,
लेकिन अभी जो मैंने आप सचिव आए हैं तो इनके प्रति तो अभी हम इस तरह की कोई नाराजगी बहुत नहीं देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि एक सुलझे हुए अभी हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ कहीं भी असुविधा होगी तो हमें लगता है कि इसको ये देखेंगे, मुझे इसका उम्मीद है। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव को। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।